हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान लाइव में आज हमारे साथ हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच तुषार राजदानी। यू आर मोस्ट वेलकम तुषार। थैंक यू। मुझे एक बात बताएं, पिछले कुछ सालों से एजुकेशन के साथ साथ हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काफ़ी बात कर रहे हैं। उसे भी हम जो है स्टूडेंट की ज़िंदगी का एक इंटीग्रल हिस्सा बता रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से 5 ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं? ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं वो 5 पॉइंट्स, पहले मैं आपको बता देता हूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक स्टूडेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, फर्स्ट जो इंटरेक्शन होता है उनका सीनियर से, वो होता है उनका इंट्रोडक्शन। अब कॉलेज से 14 साल बच्चा पढ़ के जब कॉलेज में फर्स्ट स्टेप लेता है, उसको 5 मिनट सामने अपने सीनियर्स के सामने बोलने में ही बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। सेकेंड थर्ड ईयर में उसके कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पे उसको HR राउंड देने पड़ते हैं, essays लिखने पड़ते हैं, वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करने लग जाते हैं। और जब हम जॉब करते हैं तो वहाँ पे तो पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती ही है। अब चर्चा करते हैं वो कौन से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि पहला जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे अपने पॉइंट्स अपने सामने रखते हैं, कितना अटेंटिवली हम सामने वाले को सुनते हैं। दूसरा जो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे बैठने का ढंग, हमारे ठीक बैठे हुए कि नहीं, बिल्कुल हम लोग सब ठीक बैठे हैं, हमारे चलने का ढंग, हमारा आई कॉन्टैक्ट बनाने का ढंग जब हम किसी को सुन रहे हैं, अगर हम ये सब चीज़ें नहीं ऑब्जर्व करते तो सामने वाले को लगता है कि हम उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तीसरी जो चीज़ होती है वो है सोशल रिलेशनशिप, जब हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, कितना ध्यान लगा रहे हैं। चौथा, हमारे एटीट्यूड क्या है किसी के तरफ, किसी चीज़ के तरफ। और जो लास्ट होएगा हमारी हैबिट्स। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। और ये कब से शुरू कर देना चाहिए? देखिए, अगर आप स्पेसिफिकली एज मेरे से पूछते हैं, जब एक चाइल्ड, जब एक स्टूडेंट को पता चल जाए कि उसके क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, जब वो अपने इन्वायरमेंट को और अपने आप को अच्छे तरह समझने लगे, तब एक राइट उम्र है उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाने की। इसके साथ मेरे को लगता है कि टीचर्स और पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है उनको पढ़ाई के अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाने की। स्टूडेंट को बहुत से मौके मिलते हैं कि उसको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है, कई बार डिबेट होता है या इस तरह के कई मौके आते हैं, तो जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट को घबराहट होती है बोलते हुए, वो कैसे उस पर कंट्रोल पाएं, कैसे शुरुआत करें कि भाई हम बोल, हमें सारी नॉलेज है, हमें जानकारी सारी है, लेकिन घबराहट उसमें कैसे काबू पाएं? ठीक है, जब हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की, और इनफैक्ट बहुत अच्छा आपने टॉपिक शुरू करा है कि घबराहट कैसे हटाएं। देखिए, इंसान इंडिया में सिर्फ 2 ही चीज़ों से घबराता है, एक मौत और दूसरी पब्लिक स्पीकिंग। पहले का तो हम कुछ कर नहीं सकते, जरूर है कि दूसरे को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब हम, आपने बोला कि स्टूडेंट जा रहा है डिबेट्स में, स्पीचेस में, तो मैं मानता हूं कि उसका कंटेंट रेडी है। अगर स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन के साथ जा रहा है, उसने 50% वॉर वहीं जीत लिया, तो फर्स्ट पॉइंट होएगा प्रिपरेशन। सेकंड है यूज ऑफ अ प्रॉप। फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई स्लाइड्स का यूज करे, विजुअल एड्स का यूज करे, और वो स्पीकिंग अभी स्टार्ट कर रहा है, तो वो कंफर्टेबल होगा कि अगर वो कभी कुछ भूल भी गया तो प्रोजेक्टर पे देख के उसको बोल सकता है। तो स्ट्रैटेजी ये है 2 पीस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, प्रिपरेशन एंड प्रॉप्स। तीसरी आती है सेल्फ टॉक। आप सब लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो क्रिकेट फॉलो करते हैं, श्रीशांत एक बॉलर है, अपने आप से वो सेल्फ टॉक बहुत करता है कि हाँ, अंडर प्रेशर हूँ मैं, ये गेम अच्छा कर सकता हूँ। तो एक स्टूडेंट को सेल्फ टॉक करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथी है कि आप प्रिपेयर्ड रहें और अपने ऑडियंस को समझे। और कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे क्या होता है, हम बचपन में टंग ट्विस्टर बहुत खेलते थे। टंग ट्विस्टर से क्या होता है कि हमारा, अगर हम यूज करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में और स्पीच देने से पहले, हमारा जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अभी मैं आप लोगों के साथ ही एक टंग ट्विस्टर खेल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पंकज जी यहाँ पे बैठे हैं और स्पीच देने जाने वाले हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि आप 4, 5, 10 बार वर्ल्ड वाइड वेब बोले। वर्ल्ड वाइड वेब, जल्दी जल्दी, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेंट वाइड। काफी सारे लोग इसको ऐसे बोल देते हैं, वर्ल्ड वेंट वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड। तो होता है कि हमारा जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है और फोकस करता है टंग ट्विस्टर पे। तो जो भी एंग्जाइटी और फियर है वो सब हटने लग जाता है। तो स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी ये हो गई। दूसरी है रिवर्स काउंटिंग। ये प्रूवन
टैक्टिक्स है और साइकोलॉजी भी इससे रिलेटेड होती है कि आप कोई भी 3 डिजिट का नंबर उठाएं और आप उल्टी उल्टी गिनती स्टार्ट करें। इनफैक्ट ये एक बुक में भी बोला गया है, अनुपम खेर की बुक है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। उन्होंने बोला कभी भी अगर आप एंग्री हैं, आप फेयरफुल मोड में हैं या आपको डर लग रहा है तो आप रिवर्स काउंटिंग कीजिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा अभी स्पीच देने जाने वाला है, वो घबरा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो 200 से गिनती वापस स्टार्ट कर सकता है, 200, 199, ऐसे पीछे पीछे आए। जैसे जैसे वो आएगा उसको डिफिकल्टी होगी काउंटिंग में और उसका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना मेंटल लेवल को आपको डिविएट करना है और फोकस करना है उन काउंटिंग में, इसका ध्यान बटेगा, ध्यान बटाना बटेगा बहुत और जरूरी वो है। जो सोच रहा है उससे वो नहीं, जो स्टेज फ्राइट की आप बात कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन जैसे जो महानायक हैं वो तो कहते हैं अभी भी जब वो सेट में आते हैं तो पूरे अपने लाइंस याद करके आते हैं और उनको उतना ही डर और उतनी घबराहट होती है जैसे पहली बार पहली बार शूटिंग के हुआ दौरान होती है। अच्छा, यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रही हूँ तुषार। हमारे पास अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये सवाल लेके आते हैं कि हम इंग्लिश कैसे सीखें। मैं हर काउंसलर से ये सवाल पूछती हूँ क्योंकि सब बच्चों को लगता है कि कोई पिल जो है वो उनको दे दी जाए, वो निकल जाएंगे और अगली पल फटाफट फर्राटेदार इम्पेकेबल इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप इंग्लिश का कितना योगदान मानते हैं, ठीक है, और क्या ये जरूरी है ये भी बता दें। जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं और इंग्लिश का योगदान, देखिए आजकल का जमाने जैसे हो गया है, स्टूडेंट जब जॉब से अप्लाई करते हैं वो चाहते हैं कि लिखा होता है कि स्टूडेंट शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो इंग्लिश मैंडेटरी हो जाती है, फ्लुएंट भी बोल पाए और लिख भी पाए। तो बहुत बड़ा योगदान है जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की। अब जब बात आती है कि जी इसको कैसे इम्प्रूव करूं, मैं काफी सारे स्टूडेंट से मिलता हूं स्कूल्स में कॉलेज में, वो मेरे को बिल्कुल जैसे आपने बोला वो यही कहते हैं कि सर आप मेरे को 2 हफ्ते में एक कोर्स करवा दो जिससे मैं इंग्लिश में मास्टर हो जाऊं और अपना इंटरव्यू क्रैक कर जाऊं। बट देखिए इंटरव्यू क्रैक करने के बाद भी काफी सारी अड़चने आएंगी, तो इट्स बेटर कि ये इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, धीरे धीरे आप इसमें से उभरते हैं। टिप्स अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आप सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट कीजिए। रीडिंग से क्यों आएगा, आपको समझ आएगा कि कौन सा इंसान क्या रखना चाहता है आपके सामने। एक बुक यही बोलती है, एक ऑथर अपने दिमाग से निकली हुई सारी थॉट्स एक बुक में रख देते हैं, वो आर्टिकुलेट कर पाते हैं। जैसे जैसे आप रीड करेंगे आपको नए शब्द पता चलेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे बोलना है। दूसरी, जब हम स्पीक करेंगे हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। अब स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज आप बहुत ले सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, काफी सारे बच्चे जो शाय होते हैं वो क्या करते हैं, मैकडॉनल्ड्स जाते हैं और अपने दोस्त को बोलते हैं जाइए आप ऑर्डर करके आए। पर यही आपको अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है और आप जाके वहां पे ट्राई कीजिए कि आप इंग्लिश में ऑर्डर प्लेस कर पाए। ये बहुत बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स अगर आप लेंगे धीरे धीरे आप इम्प्रूव करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका कोई एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप वॉलंटियर कीजिए एंकरिंग के लिए। आप अगर स्कूल में हैं आप वहां पे एंकरिंग के लिए रोल ले सकते हैं। तो जहां जहां ऑप्शन आपको मिल रहा है आप ऑप्शन लीजिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए, धीरे धीरे ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में रिजल्ट दिखाएगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बॉडी लैंग्वेज जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, तो ठीक है उसमें उसमें पता लग गया कि भाई बॉडी लैंग्वेज में मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है कुछ है, कैसे मतलब कैसे इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे वो शुरुआत करें। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ, बॉडी लैंग्वेज जी एक ऐसा हथियार है जो बिन बोले बहुत सारी चीज़ें बोल जाता है। बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें रोड रेज का सबसे बड़ा कारण है। जब भी हम रोड पे जा रहे हैं अगर कोई बहुत तेज से जा रहा था और हम उसको आंख दिखा देते हैं तो यही बोलता है कि आप हम पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं। जब बात करते हैं कि टिप्स के हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहले जो टिप होती है वो होती है वॉच योर सेल्फ। सबसे बड़ा जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मैं अपने आप को देखूं कि मैं कौन से इंस्टेंस पे क्या हाथ हिला रहा हूं, अपनी गर्दन कहाँ लेके जा रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। तो उसके लिए आप अपने आप को वीडियो शूट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का इतना यूज कर सकते या हो, मिरर के सामने, मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, अगर आप घर में हो या आप किसी फ्रेंड पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जैसे हम अपने सेशन में भी यही करवाते हैं, हम एक बॉडी लैंग्वेज बडी बनाते हैं। तो जहां पे जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं 10 का ग्रुप होएगा, 20 का ग्रुप होएगा, पेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो मैं आपका बॉडी लैंग्वेज बडी। तो जब भी आप स्टेज पे जाके कोई स्पीच दे रहे हैं तो आपका बॉडी आपको देखते रहेगा कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स कैसी हो रही, और उसके बाद फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कहा जाता है कि फीडबैक जो होता है वो चैंपियंस का ब्रेकफास्ट होता है। ओके, हाँ, कुछ लोग सिर बहुत हिलाते हैं, कुछ लोग हाथ बहुत हिलाते हैं, राइट, और इन सब का एक मतलब होता है, राइट, बॉडी लैंग्वेज में।
पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में क्या लिसनर का भी, अच्छे लिसनर हैं उससे भी आपको कुछ फर्क पड़ता है? देखिए बिल्कुल, अच्छे लिसनर से जितने आप अच्छे तरह सुनेंगे उतने अच्छे तरह आप इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाएंगे। जी, जी, जी. हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स होते हैं लिसनिंग और हेयरिंग। जनरली जो आजकल लोग करते हैं अपने फोन के साथ बैठ के, पेरेंट्स से बात करते हुए, टीचर से बात करते हुए, कुलीग से, वो सिर्फ हेयर कर रहे होते हैं, उसको दिमाग तक नहीं पहुंचाते। बट जब लिसनिंग की बात करते हैं, लिसनिंग में होता है कि आप उसको सुनते हैं और दिमाग तक ले जाते हैं और प्रोसेस करते हैं। अच्छा लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि इससे मिस कम्युनिकेशन नहीं होता। राइट, हमारे पास कुछ लाइव सवाल आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करें, ये विवेक कुमार ने पूछा है फेसबुक लाइव। ठीक है विवेक जी, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जितने भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आप वहां पे जाके पार्टिसिपेट कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि मैकडॉनल्ड्स में जाके आप एक ऑर्डर प्लेस कीजिए, वहां से भी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। दूसरी, अगर आप ओला टैक्सी ही, उबर टैक्सी यूज कर रहे हैं, आप जो ड्राइवर है उनसे कुछ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने की कोशिश कीजिए। इनको कहते हैं फिलिंग द वॉइड्स, वरना तो आप पूरी टैक्सी में फ्री बैठ के जाएंगे। जैसे जैसे आप उनसे बात करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे समझ आएगा कि बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है। अच्छा, पर ये जो है बच्चे, वो ड्राइवर से बेशक ना बात कर रहे हैं पर फोन पे तो लगे होते हैं, तो क्या फर्क है कि फोन पे आप फ्रेंड के साथ तो आप 24 घंटे चैट कर रहे हैं और किसी अजनबी के साथ चैट करने में, यहाँ आप डिफरेंस बताइए कि क्या है? देखिए जब आप पहली बार फोन पे जब किसी से चैट कर रहे हैं और स्पेसिफिकली फ्रेंड से चैट कर रहे हैं, वो आपका नोन है, वो आपको कभी पिन पॉइंट नहीं करेगा, आप में कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं निकालेगा, या कंफर्ट जोन है आपका में भी जज नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं कंफर्ट जोन। बट जब हम कोई एक्वेंटेस या कोई अननोन से बात कर रहे हैं, वहां पे हम घबराना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम उसको पहली बार मिल रहे हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते, वो हमारे बारे में नहीं जानते, तभी ये एक फेयर बैठ जाता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप ये चीज अपने दिमाग से हटा दे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। नहीं, आप सिंपली उनसे कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कीजिए, अपॉर्चुनिटीज, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है विवेक, तो आप अपने फेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कीजिए। आप एंकरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठ सकते हैं, किसी गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, ये सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपके लिए आएगा। अच्छा बताइए, सोशल स्किल्स क्या होती हैं, बहुत बच्चे जानना चाहते हैं, हमारे इसमें भी मेल्स में आते हैं, वो जानना चाहते हैं सोशल स्किल्स क्या होती हैं। देखिए सोशल स्किल्स जो आपको मैं बताता हूँ, इसमें क्या होएगा, ये जो वर्ड है सोशल स्किल्स, ये यहीं से इसका मतलब निकल जाता है सोसाइटी। जो स्किल्स हम सोसाइटी से लेते हैं और सोसाइटी में इस्तेमाल करते हैं, वो होती है सोशल स्किल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है बात करने का तरीका, एडजस्ट कैसे कर पाते हैं, अकोमोडेट कैसे कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट है जैसे बता रहे मेल्स करते हैं, स्कूल में 14 साल रहते हैं वो लोग, उसके बाद इमिडिएटली वो कॉलेज आते हैं। अब अगर कोई सेंट्रल इंडिया से आया है, कोई छोटे शहर से आया, उसको बहुत ही डिफिकल्टी होती है एक ग्रुप में एडजस्ट करने में, तो ये सारी चीजें होती हैं सोशल स्किल्स। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है अविनाश कुमार सिंह का, अच्छा दिखने के लिए क्या करें। अच्छा। तो ये मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात भी कर रही थी कि हाइजीन और आपका ड्रेसिंग सेंस, वो भी तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, तो आप स्टूडेंट्स को जरा टिप्स दे दीजिए कि अभी कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, तो वो हो सकता है छोटे शहर से दिल्ली आए या बड़े शहरों में जाए, कॉलेज में जाए, तो क्या पहन के जाए, अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें ताकि उनका इम्प्रेशन बने। ठीक है, देखिए जो कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये बिल्कुल सही कहावत है। और अगर अभिषेक आप लेट्स से आप साउथ इंडिया से दिल्ली मूव हो रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि एकदम से आप दिल्ली के माहौल से प्रभावित ना हुए, जो भी आप कपड़े बैंगलोर में पहनते थे वही पहन के आए। वेन इट कम्स टू ड्रेसिंग, मेरा मानना है कपड़े प्रेस होने चाहिए, आयरन होने चाहिए, और वो कपड़े पहनने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल, कोई ऐसा कपड़ा नया पहने स्टाइल के लिए जो आप पे बहुत बड़ा है या जो बहुत टाइट है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे और आपका जो ग्रुप है वहां पे आप एक रेपो बिल्ड नहीं कर पाएंगे उनसे, आप अपने कपड़े ही एडजस्ट करते रह जाएंगे। नया ना आजमाए, मतलब कुछ नया ना आजमाए राइट। और जब हम बात करते हैं खाने की, मेरा मानना है कि जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड से क्या होता है, आप सुस्ता ज्यादा जाते हैं, सुस्ती आती है और फिर आपका काम में मन नहीं लगता। इंस्टेड आप, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत हो रही है, पानी बहुत पीजिए, आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, आप जूसेस पीजिए, जिससे आपके फेस पे भी एक अलग सा ग्लो आए। अच्छा मुझे एक बात बताया, अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि एचआर में एक लड़की को जॉब इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके शरीर में कई सारे टैटूज थे।
तो क्या टैटू से भी कोई इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि ये तो आज के जमाने की चीज है, ट्रेंड पे है। हाँ जी, टैटू से बिल्कुल इंप्रेशन पड़ता है। और इससे पहले मैं आपको टैटूज का सिग्निफिकेंस बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि काफी सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स ऐसे हैं जो मना करते हैं आपका जॉब मिलना अगर आपकी बॉडी पे कहीं टैटू हो। तो अगर आप टैटू करवाने वाले हैं और एक गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेंट है तो प्लीज जॉब सीख कर लीजिए, उसके बाद सोच समझ के टैटू करवाइए। दूसरी बात, जब तक टैटू की बात आती है कई कंपनीज मना करती हैं टैटू करवाने के लिए। वो कहते हैं कि फुल लेंथ क्लोथ पहनिए, टैटू रिवील ना कीजिए, अगर आप करवा भी रहे हैं तो ऐसी जगह पे करवाइए जहाँ पे दिखे ना। क्या इससे कहीं कहीं जगह ऐसा भी है कि इससे फायदा भी होता हो, भाई वो इंटरव्यू के लिए गया और टैटू है, उसने कहा कि क्रिएटिविटी या कुछ ऐसा, वो उस तरह का जॉब जिम ट्रेनर के लिए शायद एक एडवांटेज होगा। बिल्कुल, देखिए जो क्रिएटिव जॉब जैसे म्यूजिक एक प्रोफेशन है, फुटबॉल स्पोर्ट्स प्रोफेशन है, सब स्पोर्ट्स स्टार के ज्यादातर बड़े बड़े टैटू होते हैं, जैसे विराट कोहली को देख लीजिए। तो वहां पे ये एडवांटेजेस भी रहता है। अगर आप मॉडलिंग जैसे करियर में हैं तो मॉडलिंग में भी टैटू की बहुत एडवांटेज, बहुत रोल रहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पे अलग अलग चरित्र उसमें बने हुए हैं, तो वो अच्छा रहता है, एनर्जी और जोश का वो सिंबल होता है। मेरे पास बहुत दिलचस्प सवाल आया है, आप हंसिएगा मत, कि छोटा भाई अभी हाई स्कूल में है, क्या उसे मोबाइल देना सही है? राहत कुरेशी पूछ रहे हैं। राहत जी, बिल्कुल सही सवाल है, और मैं मानता हूँ कि आप बड़े भाई का बहुत अच्छा तरह से कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर छोटा भाई है 11th 12th स्कूल में ही होगा, अभी आप उसको मोबाइल फोन दे सकते हैं, बट बिल्कुल बेसिक मोबाइल फोन दीजिए जिसमें सिर्फ टेक्स्ट कॉल का प्रोविजन हो, रेडियो का प्रोविजन हो, क्योंकि क्या होएगा जब तक वो रेडियो सुनेगा उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहां से भी होएगी। जी। अच्छा, पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में सुना जाता है, क्या होते हैं ये, मतलब किस तरह के होते हैं? अच्छा, अगर कोई भी जाए अपना पर्सनैलिटी टेस्ट करा के पूरा कर ले कि भाई ये चीज़ में कमियां हैं, किस तरह के होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट? में क्या होता है कि हम लोग कुछ टेस्ट होते हैं जो रिटन टेस्ट होते हैं, कुछ ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, वो पर्सनैलिटी टेस्ट हम लोग करते हैं। उसमें एक आता था आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, जो आपकी सोच बताता है, जिसमें 10 आपको फोटोज दिखाई जाती है और आपको उन पे एक कहानी लिखनी होती है। आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जिसमें आपको एक सिचुएशन दे दी, आप उसमें एक पॉजिटिव आउटकम लिख सकते हैं, एक नेगेटिव आउटकम। उदाहरण के तौर पर मैं बोलना चाहूंगा, आप सड़क पर जा रहे थे और एक सांप आ गया, इसको आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो दो चीजें हो सकती है, आप वहां पे डर के भाग जाएं और आप वही लिखें, दूसरी आप उसको फेस करें और किसी तरह उसको वहां से रोड से हटा दें। तो ये हमारे पर्सनैलिटी टाइप्स बताते हैं। जी हाँ, पर्सनैलिटी टाइप्स काफी हेल्पफुल भी रहते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, उसका बेंड ऑफ माइंड कैसा है, क्या वो लॉजिकल है, वो साइंटिफिक ज्यादा है, वो क्रिएटिव ज्यादा है, ये सारे ट्रेट्स के बारे में हमें पर्सनालिटी टेस्ट से करियर पता चलता है। में भी उसको दूसरी करियर प्लानिंग हो जाती है कि कौन सा करियर इन ट्रेट्स के अकॉर्डिंग सूटेबल रहेगा। दूसरी चीज जो इसमें है कि काफी सारे लोगों की क्रेडिबिलिटी इन टेस्ट की नहीं होती, अगर कोई ये टेस्ट करवाने जा रहा है तो लोगों की क्रेडिबिलिटी प्लीज चेक करके जाए। अच्छा, निकुंज विजय पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू में बियर्ड क्या इफेक्ट करता है, दाढ़ी रखे कि ना रखे? देखिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू में अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है वो वेल ट्रिम्ड हो, ये ना हो कि एक तरफ से ज्यादा बड़ी भी है और एक तरफ से कम हुई भी है। तो करेक्ट यूज ऑफ रेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप बात करते हैं दाढ़ी रखने के लिए। पर रिकमेंड यही किया जाता है कि आप शेव करके जाएं, राइट, और फॉर्मली ड्रेस होके जाएं, क्योंकि फेशियल हेयर बहुत मैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू। कुछ लोग मानते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो टाइमलेस है, उसका जो प्रयास है, एफर्ट है, टाइमलेस है, तो क्यों, मतलब उसमें अब कब करेंगे, टाइम वेस्ट सा लगने लगता है एक टाइम के बाद, तो क्या करें, मतलब टाइमलेस उनको जो लगता हाँ जी, है हाँ जी। उस पर क्या करें वो? देखिए क्या होता है, कैसे सोचिए उस पर? जब अगर आप कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे हम लोग अपने मॉड्यूल्स करवाते हैं, हमारे 6 महीने के एक एक साल के मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें आपको वैरायटी लानी पड़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान जो 35 इयर्स ओल्ड है, वो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करना चाह रहे हैं, पर अगर वो सेम प्रोसेस से रोज हर हफ्ते में एक बार जा रहा है तो वो भी शायद से बोर हो जाए। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। इसमें आप कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन करवा दीजिए उन लोगों का, आप उनकी एंकरिंग करवाए, आप उनको बाहर लेके जाए और उनको आपको आउटडोर में एक्सपीरियंस दीजिए, जिससे कि वो लोगों से बाहर इंटरेक्ट करें। अपने एक सर्कल से अगर वो बाहर निकलेंगे तब थोड़ा उनके लिए चेंज होएगा। कहा भी जाता है कि चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट, तो जितना आप चीजों को चेंज कर पाएंगे अपने मॉड्यूल में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक लगेगा। अच्छा, कुशाल शर्मा का सवाल है कि इंग्लिश में बात करते वक्त दिमाग ब्लॉक हो जाता है,
अच्छा लगता है, ये बहुत लोगों का सवाल होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आने वाले हैं डीयू में एडमिशन के लिए, और अक्सर आप देखिए डीयू में बच्चे आपस में आपको इंग्लिश में बात करते हुए मिलते हैं, बिल्कुल। तो क्या करें, कैसे करें कि वो इस पूरे हर्डल को पार कर पाए? ठीक है, सबसे पहले तो मैं कुशाल शर्मा आपको ये बताना चाहूंगा कि मोबाइल फोन का पूरा इस्तेमाल कीजिए। आप जब आप इंग्लिश में बात करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले तो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। ये काफी लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, पर बहुत माना हुआ स्ट्रेटेजी है। अगर आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे और सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप कहाँ अटक रहे हैं। पहली स्ट्रेटेजी ये। दूसरी ये कि आप घर में इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कीजिए। डायरेक्टली जम मत कीजिए कि मैं दोस्तों से बात करूंगा या अपने ऑफिस के कुलीग से बात करूंगा। आप ट्राई कीजिए कि आप घर में बात करें। तीसरा होगा, अगर घर पे कोई आता है, रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, कोई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आता है, आप उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। एक दो वर्ड, सिर्फ एक दो वर्ड, ज़्यादा नहीं, इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी आप बोलने वाले हैं उसको पहले एक पेपर पे लिखें। 5 मिनट ले लीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं सिर्फ पॉइंटर लिखें, 3 4 5। उससे क्या होगा, आपके पास थॉट ऑफ क्लैरिटी होगी कि मेरे को ये चीज़ें बोलनी है। और ये अगेन ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये गोली की तरह नहीं है, आपने खाया और आपके इंग्लिश बहुत सुधर गई और इसकी धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी, दिमाग वैसे ही सोचेगा। यहाँ मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि आपको अगर वाकई इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, तो रोज इंग्लिश पेपर पढ़िए, इंग्लिश मूवीज देखिए, दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करिए, बिल्कुल इंग्लिश म्यूजिक सुनिए। इन सबसे भी आपको एटलीस्ट राइट प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगा। प्रोनाउंसिएशन के बारे में ही ज्योति द्विवेदी का भी सवाल है कि हाउ टू इनहेंस प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, तो इस पर कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग इनफैक्ट प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं और वो इम्पैक्ट करता है जब आप आगे कॉलेज में जाते हैं इंटरव्यूज में। जब आप स्पेसिफिकली ज्योति अगर तुम स्टूडेंट हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेडियो सुनना स्टार्ट कीजिए और वो वाले रेडियो सुने जिसमें कि एंकर ज्यादा बात करता है, गाने हैं, उन कीवर्ड्स पे आप एम्फेसिस डालिए। गूगल इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, वहां से देखिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। क्या होता है, गूगल पे एक एक ऑप्शन होता है जिसमें आप जाके वो वर्ड सुन भी सकते exactly. हैं। हम सब तो यूज अगर, करते हैं। अगर आपको कोई वर्ड नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा है तो आप उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वहां पे जाके सुनिए धीरे धीरे, और आप उसको ब्रेक करके लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को प्रोनाउंस करना है कॉम्प्रीहेंशन, तो आप उसको लिखिए कॉम्प्रीहेंशन, 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करके खुद हिंदी में लिख लीजिए जो भी आपकी वहां की रीजनल लैंग्वेज है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस कितना फर्क है, कैसे किसी को पता चले इसका जो फर्क है? देखिए, यदि कोई इंसान कॉन्फिडेंट है वो उसके लिए बहुत अच्छा है, मतलब वो अपने सब्जेक्ट एरिया में 100% है। ओवर कॉन्फिडेंस तब होता है जब कोई सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहता है, और वहां से हमें पता कैसे चलता है वो ट्रेड्स क्या है, हम अपने आप से झूठ बोलने लग जाते हैं। तो अब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, क्या मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ इस समय, क्या ये मेरे को सही में चीज आती है? तो सिर्फ एक प्रश्न आपको पूछना है ये कि क्या वो मिलने ठीक है या नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं जगह ऐसी चीजें करवा देता है जहां पे आपको वो चीजें लॉस में भी ले जाती है। इंटरव्यूज के टाइम में आपको कुछ पूछ लिया गया और वो आपको नहीं आता, तब आपने बोल दिया कि जी मेरे को ये आता है, मैं बताना चाहूंगा, और इंटरव्यू में बोले कि आप बताइए, वो नहीं आता, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देता है। प्रोग्राम के लास्ट में एक सवाल करना चाहूंगी ग्रुप डिस्कशन के बारे में। हाँ जी, ग्रुप डिस्कशन आजकल हर जगह कंपलसरी हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना, स्टूडेंट्स को बिठा के आपको किसी भी सब्जेक्ट पे कहते हैं कि आप अपनी बात सामने रखें, और ग्रुप डिस्कशन में मैंने देखा है अच्छे खासे इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है वो भी थोड़ा सहम जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको शब्दों में कैसे बयान करें। इसके लिए आप कुछ उनको तगड़ा सा टिप्स दे दीजिएगा चलते चलते। ठीक है, और ये मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया है। जब मैं कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा था, उन्होंने मेरे को ये सेम डिफिकल्टी बताई। उन्होंने मेरे को टॉपिक बताया कि सर ये हमारा टॉपिक है। मैंने बोला कि ये टॉपिक आप अपने हाथ पे लिख लीजिए जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहते हैं। देखिए क्या है, हमारे जो हाथ है वो हमारे साथ हर समय रहते हैं। अगर अभी मैं बात भी कर रहा हूँ तो मैं अपने हाथों को देख पाऊंगा, खाना खा रहा हूँ तो मैं हाथों को देख पाऊंगा। इससे क्या होगा, वो जो पॉइंटर्स आपके दिमाग में बैठेंगे, सबसे पहले मेमोरी रिटेंशन, दूसरा है आपको जो भी बोलना है वो अपने सामने रखिए, फ्लैश कार्ड के थ्रू यूज कर लीजिए, अपने कबर्ड पे लगा लीजिए। थर्ड, जब आप जीडी में जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो है कि आप दूसरे को सुनो कि वो इंटरेक्शन किस तरफ जा रहा है। आप उस टॉपिक के पॉजिटिव में बोलना चाह रहे हैं और सब नेगेटिव बोलते जा रहे हैं, तो आपको नेगेटिव में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये ना हो कि आप पॉजिटिव पे ही टिप्पणी करते जा रहे हैं। तो ये मेरे तरफ से मानना है, ये 3 4 स्ट्रैटेजी अगर आप
इस्तेमाल करेंगे तो आपका ग्रुप डिस्कशन में काफी अच्छा होगा जी। और यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में बोलिए, क्योंकि आपकी बात सामने आनी चाहिए, उसमें ये कोई नहीं देख रहा है कि आप किस भाषा में बोल रहे हैं। बाद में यस आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो उसके कई और दूसरे रास्ते हैं। थैंक यू तुषार जी, थैंक यू, आपने आके हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे टिप्स दिए।